कोच बहुत अच्छे हैं। आज लगता है दोस्तों ये लोग हमें तुम लोगों से ब्लॉक करने में दोस्तों लिटरली अभी हमने कैमरा ऑन किया है। मोनू सर का वॉकी पता है अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मुझे लगता है इनका खराब है, खराब हो चुका है। इनका सिर्फ ओवर सुनाई देता है, ओवर सुनाई देता है, ओवर। So it's day 3. We left Jaipur around 8:30. We started, right? What time did around we start? Around 8:30. Yes. Around 8:30 we started. We left and then fueled up nicely. Since then we are driving. We've had I think 2 stops. We stopped for a photo shoot in the sand dunes for some time. The Prado shots were very good, and all our 3 polos, amazing, in the sand dunes. आज का भी सफर थोड़ा लंबा है. We have to travel around 700 kilometers from Jaipur till Amritsar. Roads are okay. इतना अच्छा भी नहीं कहूँगा क्योंकि because like most of the roads we are actually going through, you know, the small villages and all. Yeah. Single road. The roads are not like that good because. भाई एक चीज तो खतरनाक थी आज दोपहर में गर्मी. ओ लू के फपेड़े पड़ रहे हैं भाई मुंह पे. 46 डिग्री इज व्हाट इट वाज शोइंग. 46-50 डिग्रीज ऑलमोस्ट. बहुत गर्मी थी भाई. वो सैंड ड्यून्स में हमने फोटोज तो खिंचवा ली लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता ही था कि क्या हो रहा है. सो हम लोग अभी जस्ट वी एंटर्ड पंजाब. Just entered Punjab and in fact पूरे ट्रिप पे एक want to share that हमें कहीं पर भी पुलिस ने रोका नहीं है ना कुछ, you know, because our cars are modded. We thought that एक आध बार तो भी पकड़ेगा पूछेगा भाई ये आवाज क्यों आ रही है क्या होता है या but fortunately that no one has asked that question. Yeah. It's just a genuine like general checkup because of the situation that happened in Punjab some days back. Yeah. And but again they were very polite and very welcoming. Yeah. Two three questions किए हमारा car का details लिया and they let us go. So it's been a good trip in that sense. And this is something I need to capture, guys. एक second. चलो. Oh yeah. Wow. So there's a herd of sheep ahead. ये bike खड़ी है. I think cow is. गोपी इज एक्चुअली ऑफ रोडिंग कम्प्लीटली लाइक. ओके सो आई थिंक आई हैव टू फॉलो हिम हियर भाई. अच्छा सर. हाँ ये हम डालेंगे लोगों को दिखाओ भाई गोपी करता क्या है हमारा. हम इतना गोपी क्यों कर रहे हैं. गोपी हॉर्न भी मार रहे हैं. गोपी की गाड़ी के सामने एक गाय हिल ही नहीं रही है भाई. ये भड़का ये लाठी लग रहा है. हमको दिख पूरा होने के बाद गोपी को बता रहा क्रॉसिंग हो रही है. ओके गोपी वेरी गुड भाई. ये क्लिप जरूर डालना जो आपने ली अभी आपके फोन से. श्योर भाई. गोपी भाई के कारनामे जा रही है. एक है क्राइम मास्टर गोगो और एक हमारा गोपी की गाड़ी का एक पार्ट खराब हो गया था. ओके सो देयर इज सम एक्टिविटी हैपनिंग. मैटर है भाई मैटर हो रहा है. गोपी यार बहुत सवाल जवाब करता है. तो हमारी सीटें चेंज हो चुकी हैं. ड्राइवर चेंज. Okay, some shooting is happening, bro. Some
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे अब शूटिंग के लिए. ओके तो अभी रोड्स बहुत अच्छे हैं. आज लगता है दोस्तों ये लोग हमें तुम लोगों से ब्लॉक करने नहीं दे बार बार. तो अभी हमें गन्ने के वो गन्ने का जूस गन्ने के खेत देखने गए थे. हमने खेत देखने गए थे. एज यू नो वी हैव एंटर्ड पंजाब तो यहाँ पे सब बनता ही चलेगा. दोस्तों थोड़ी देर बाद मिलेंगे हम लोग आप लोगों से. We are back. Welcome back. After a lot of interruptions. तो अभी फोटोशूट हुए. काफी अच्छा हमने अपना परफॉर्मेंस दिया इस फोटो. बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है. खुश हो चुके हैं. तो वेर वर वी खेत वेत में उतरे हैं हम अभी. तो गन्ने का जूस पिए हमने. वो अंकल जहाँ हमने गन्ने का जूस पिया उनका घर था वहीं पर. ही वॉज वेरी वेलकमिंग टू अस. और अमन हमारे भकर किंग है. किसी से भी बात कर लेते हैं बेसिकली. आदमी वेलकमिंग ना हो तो भी वो वेलकमिंग हो जाता है. हाँ तो मैं थोड़ा चलता रहता हूँ सबको देख दाख के क्या है क्या नहीं. तो हमारी लेडीज स्क्वाड को यार उन्होंने वॉशरूम वॉशरूम यूज़ करने दिया. तो बड़ा एक बात है यार पंजाब के लोग एकदम दिल वाले होते हैं. वेरी वेलकमिंग. शाउट आउट टू अंकल. यस शाउट आउट टू पंजाब पुलिस. शाउट आउट टू पंजाब पुलिस ऑल्सो. शुरू हो गया है दोस्तों फिर से. मुझे लगता है वॉकी का साला मांजरा ही तोड़ना पड़ेगा. वॉकी बंद कर दे थोड़ी देर. ये लेफ्ट लेना है क्या आपको? ओके अभी क्या हो रहा है भाई? कंफ्यूजन हो चुका है. मैप्स लगा के भी भाई गूगल एक्चुअली सर रहा बोला ना. गूगल ने गूगली डाली ये रोड साइन ही है. कैन यू प्लीज रिपीट? वो भी सपोज लेफ्ट दोस्तों. लिटरली अभी हमने कैमरा ऑन किया है. और ये यश सावंत इसकी शादी करवा दो वॉकी टॉकी से. भाई मोनू सर का वॉकी पता है अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है. मुझे लगता है इनका खराब है. खराब हो चुका है. इनका सिर्फ ओवर सुनाई देता है. ओवर सुनाई देता है. ओवर. तो भाई आज का जो व्लॉग है वो हमारे वॉकी टॉकी के ऊपर है. कि हमारे पास वॉकी टॉकी है और हम यूज करते हैं. यूज करते हैं. हम बहुत अमीर हैं. बजट हाई है. ये GoPro है हमारे पास. ये है. ये चीजें हैं. और आत्मविश्वास है. हम भी हैं भाई. पंजाबी है तो 100 बात के. हाँ भाई मालूम है भाई. चला तू. ए भाई अब ना हम लोग क्या डालेंगे पता ही है. पूरा डाल. अबे 5-6 बार हो चुका है ये ऐसे कि बोलने ही बोल कर फिर ये फिर हम लोग देख रहे हैं. पूरा ये डाल सकते हैं भाई. फुल फनी सीन है ये. ओ भाई अब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? आप लोग जब बोलोगे तब हम बोलेंगे. रिकॉर्ड हो रहा है? ओ शिट्स. आप लोग बोलेंगे जब आप लोग सुनना चाहें हमें. हम बोलना शुरू भाई. इधर क्यों रुके? मुझे नहीं समझ में आया भाई. लेफ्ट लेफ्ट लेना है क्या? ये तो गांव में घुसा रहा है भाई. कहाँ और गांव में जा रहे हैं अपन? हाईवे छोड़े जा रहे हैं क्या? क्या चल रहा है भाई? अमृतसर का रोड क्या है? अबे इसका घर वर तो नहीं है इधर अंदर खेतों में? गोपी का घर लग रहा है मुझे भाई. ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये देखो बरनाला का कोई गाँव आने वाला है भाइयों. बट उसे गुगली लगा दिया है. जोरदार गुगली मार रहा है भाई. यार ये सब पूरी कर सकते हैं. गूगल के भरोसे जा रहे हैं. अमृतसर हम आधी रात को मिलेंगे आपसे. आधी रात को तो मिलेंगे अगर हम पहुंचे तो टाइम पे. अभी तो फिलहाल गूगल के साथ हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये लेकिन कहाँ गलियों से लेके जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है. हाईवे पकड़ लेता ना किसी को पूछ के. तो अभी भी लग रहा है कि मेरे ख्याल से 5 घंटे तो लगने ही वाले हमें पहुंचने में. 3 घंटा 50 मिनट तो GPS बोल रहा है तो फिर शायद हो सकता है. फिर ठीक है ना. फिर भागा के निकलो. बट रास्ता तो मिले. ठीक है यार. मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस है ना. दैट्स व्हाट रोड ट्रिप का एडवेंचर का मजा यही है कि कभी भी कुछ भी रास्ता हमें कहीं भी ले जा सकता है. ये बात भी है. गूगल होने के बाद भी आदमी गुम हो सकता है.
भाई यहाँ पे, लेकिन एक बात है, मिट्टी में रखी रिम्स भेजे, हर दूसरी गाड़ी मॉडिफाइड, हर दूसरी गाड़ी में रिम्स लगे हुए हैं। मतलब यार, मतलब शौकीन है यार, मतलब म्यूजिक मन करे तो ट्रैक्टर में भी डाल दे भाई। अभी ट्रैक्टर क्या है, उसमें देखा नहीं, म्यूजिक सिस्टम ब्लास्ट करते हुए जा रहा था, ब्लास्ट किया है भाई, ब्लास्ट। तो अंकल से बातें कर रहा था, अच्छा ट्रैक्टर में बंदा गया है फुल, एकदम पंजाबी गाने बज रहे हैं और एकदम ठाट में है भाई। नवाज भाई ने तो दो चार भंगड़े के स्टेप भी लगा दिए, क्या बात है, रोड के सामने से। तो अब हम पंजाब आ ही गए हैं। सो ये देख, इसमें भी मैक्स थे, देख ये देख, टैक्सी में भी मैक्स, हर कोई भाई यहाँ पे सीन ऑन है भाई, शौकीन है भाई, मोड सीन ऑन है भाई। PGTC पंजाब बनाना पड़ेगा, लग रहा है बनाना पड़ेगा भाई, PGTC पंजाब यार। लेकिन ये बाइक वालों से बहुत बचना पड़ता है इधर यार भाई, यहाँ ये बिना देखे खेतों से बाहर आ जाते हैं ना सीधा रोड खेतों से बाहर, हमारे खाट लगा देते हैं ट्रैफिक में यार, इधर मतलब छोटे, एक तो रोड छोटे यार, एक्चुअली यहाँ पे ये शरबत पिएगा क्या, शरबत नहीं भाई, नहीं भाई हालत नहीं भाई, कुछ नहीं पता यार भाई, एक पी लेता ना क्यों मैं, अरे यार क्या बोल रहा है, एक जगह तू बोल रहा है वेलकमिंग लोग, क्या बोल रहा है, क्या मिला, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अभी पी लिया है, एक पी लेता ना रूह अफ़ज़ा भाई, अरे अभी बहुत मिलेंगे भाई, आज कुछ है इनका सीन है, कुछ नहीं है आज भाई, बांटने बांटने का सीन है भाई, देते रहते हैं, बोलता है यश, बोलता है हाईवे पे खड़े रहते हैं लोग और जो आता है उसको देते हैं, हां सेवा वेवा का, और यश पहली बार पंजाब आया है, क्या बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है ऐसा भाई, वो जो समझ लो भाइयों और बहनों कि यश अगर कुछ बोल रहा है वो सिर्फ वॉकी टॉकी पे बोलता है। अभी उसने मेरे को वहाँ पीछे क्या बोला कि यहाँ से लेफ्ट मारोगे तो पाकिस्तान है सामने 20 किलोमीटर, समझ गया मैं, फिर तो मैं समझ ही गया, अमृतसर से पाकिस्तान 20 किलोमीटर है, समझ में आता है यहाँ से कहाँ से, किस लेवल की बातें चलती हैं सब पता चलता है। तो 20 किलोमीटर पे अगर यहाँ से पाकिस्तान है समझ बराबर, और यश को अगर पाकिस्तान का रास्ता पता है तो ये रास्ते तो उसको सारे पता होने चाहिए, होने ही चाहिए भाई, है ना, बिल्कुल होने ही, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। ये भाई गोटी छोड़ा भाई, भाई अंटी छोड़ा थी, अंटी छोड़ा वो वाली, क्या बात है वो वाली, मिल सकता है भाई, लेकिन अब जिसमें वो, अब मैं क्या बोलता हूँ, अपन किसी को बोलते नहीं, अगर दिख जाता चुपचाप पीके निकल, पीके निकल लेंगे, फिर बोलेंगे किधर थे, बोले सर आते थे, लोग तो आ रहे थे, आ रहे थे, आप लोग दिखे नहीं, हम लोग का कैच अप गेम खेल, नवाज भाई तुम तुम्हारा जीपीएस चालू रख रहे हो या इधर जीपीएस डाल रहे हो, उधर डाल दो भाई, उधर डाल दो भाई, इस पर डाल दो जीपीएस, डाल दो इस पर, डाल दो हां इस पर डाल दो, फिलहाल तो ये रास्ता, अभी तो फिलहाल, अभी तो 23 किलोमीटर तक यही रास्ते पे, यही पे चलना है, चलते हैं, चलो पंजाब में खेत ही इतने हैं कि उनको खेतों के बीच से रोड बनाना ही पड़ जाता है, टॉप जगह है, समझ रहे हैं, टॉप जगह, क्या रोड है भाई, ये जबरदस्त भाई, जबरदस्त है, टू लेन ही गाइस, मत समझना हम लोग अभी कुछ 4, 5, 6 लेन 8 लेन पहुंच चुके हैं, बट ब्यूटीफुल रोड्स, दोनों साइड पे ग्रीनरी है, ये गर्मी के मौसम में भी, सो देख ट्रैक्टर आ गया बाहर बिना देखे, आ चुके खेत में से, खेत में से निकल के, खेत में से निकलो भाई, बिंदास निकलो, अपना रोड, गाड़ी का क्या है, रुक जाएगी और नहीं रुकेगी तो क्या है, ठोक देगी और ठोक देगी तो क्या है, अपनी गाड़ी को तो कुछ होना ही नहीं, बिंदास चलो